हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। विजया एकादशी 2023 फरवरी में कब है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। विजया एकादशी की सही तिथि, इसके पूजन विधि और इसका महत्व आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर काम में विजय सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे माना जाता है कि जो कोई भी इंसान विजया एकादशी के दिन सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा व्रत करता है उसे हर काम में सफलता प्राप्त होती है। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि एकादशी का व्रत रखने से ग्रहों के असर को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। विजया एकादशी मित्रों अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना होती है। मित्रों, इस एकादशी का व्रत करने से भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। विजया एकादशी पर पूजा उपासना करने से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। इस बार विजया एकादशी की डेट को लेकर भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है मित्रों, कि विजया एकादशी 16 फरवरी या 17 फरवरी को मनाई जाएगी। तो आइए मित्रों जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार विजया एकादशी 16 फरवरी और 17 फरवरी दोनों दिन मनाई जाएगी। विजया एकादशी की तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी को सुबह 5:32 पर होगा और इसका समापन 17 फरवरी को रात 2:49 पर होगा। उदिया तिथि के अनुसार विजया एकादशी 16 फरवरी को ही मनाई जाएगी। वैष्णव समुदाय की एकादशी 17 फरवरी को मनाई जाएगी। विजया एकादशी का पारण का समय है मित्रों 17 फरवरी को सुबह 8:01 से लेकर 9:13 तक इसका पारण का समय रहेगा मित्रों। अब मित्रों विजया एकादशी के पूजन की विधि की बात की जाए तो विजया एकादशी से एक दिन पहले उस पर एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान्य रखें। विजया एकादशी के दिन श्री हरि की स्थापना एक कलश पर करें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। उसके बाद पंचामृत, फूल और ऋतुफल अर्पित करें। इस दिन उपवास रखना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आहार ग्रहण करना ही है तो सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को आहार ग्रहण करने से पहले उपासना और आरती जरूर करें। अगले दिन प्रातःकाल उसी कलश का और अन्न वस्त्र का दान करें। आइए मित्रों आगे जानते हैं कि विजया एकादशी पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर उपवास रखें तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। विजया एकादशी के दिन चावल और भारी खाने का सेवन ना करें। रात में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। इस दिन क्रोध न करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और आचरण पर भी नियंत्रण रखें। अब मित्रों आगे बात करते हैं कि विजया एकादशी के दिन या फिर जो भी एकादशी आती है, महीने में दो एकादशी आती है, सारी एकादशी 12 महीनों की एकादशी में हमें क्या खाना चाहिए और हमें उस दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए।
हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर माह दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन कुछ चीज़ों को सेवन निषेध माना गया है। आइए मित्रों, जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें खानी चाहिए और कौन कौन सी हमें नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।